मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होंगे अपने घर पे। यह हमारी हिंदी की कक्षा है और हम पार्ट एक बंधु साहिब की प्यास कर रहे हैं। कल हमने क्या किया था, पार्ट रीड किया था, हमने चैप्टर रीडिंग की थी। आप सब लोगों को समझ में आया चैप्टर, आप सब लोगों को समझ में आया ना। आज हम इसकी अभ्यास करेंगे। कठिन शब्द जो कि हमारे पेज नंबर 9 पे गिवन है, पेज नंबर 9 पे गिवन है हमारा, है ना। कठिन शब्द, पहला हमारा कठिन शब्द क्या है, इससे पहले इसको नोट डाउन करने से पहले सबसे पहले आप अपनी रफ नोटबुक निकाल लेंगे। आप अपनी रफ नोटबुक निकाल ले, रफ नहीं तो आप हिंदी की अपनी फेयर नोटबुक भी निकाल सकते हैं। आप अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक निकाल ले, जिसके पास हिंदी की फेयर नोटबुक है आप अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक निकाल ले। अगर किसी के पास फेयर नोटबुक नहीं है हिंदी की तो आप रफ नोटबुक अपनी निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, शांत। क्या है, शांत। इन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे बेटा। यू हैव टू नोट डाउन इट इन योर फेयर नोटबुक, इन दी फेयर नोटबुक। और इफ यू डोंट हैव योर हिंदी फेयर नोटबुक देन यू हैव टू राइट इट ऑन योर रफ नोटबुक। अगर आपके पास फेयर नोटबुक हिंदी की नहीं है तो आपको रफ नोटबुक में ये सब नोट डाउन करना है। तो पहला हमारा क्या है, शांत। दूसरा मोगली। तीसरा प्यास। चौथा कठिनाइयां। पांचवा मुश्किल। छठा परेशानी। सातवा मुंह। आठवा झुंड। नौवा खींचकर। दसवा धन्यवाद। ये क्या है, हमारे कठिन शब्द हैं। ये आप सब लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, प्लस आपको ये सब आने भी चाहिए। आप लोगों की इनकी मात्रा वगैरह ये सब लिखने आने चाहिए, ठीक है। आपको ये शब्द लिखने भी आने चाहिए, तो आपको रफ नोटबुक में लिखना है प्लस इनको याद भी करना है, ठीक है बेटा। आपको ये सब अपनी रफ नोटबुक के अंदर या फेयर नोटबुक में आप लोगों को नोट डाउन करना है और फिर आप लोगों को ये याद भी करना है। कल मैं आपसे चेक करूंगी, आपका टेस्ट भी ले सकती हूँ मैं, ठीक है। मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकती हूँ इस चीज का, या मैं आपसे लिखवा के भी देख लूंगी। किसी भी बच्चे से मैं पूछ सकती हूँ कि मुझे ये वर्ड लिख के दिखाओ, ठीक है। मैं डिक्टेशन भी बोल सकती हूँ आप लोगों की, तो आप लोगों को ये आने चाहिए ये वर्ड्स, ठीक है। अभी हम बेटा शब्दार्थ करते हैं। आपको ये भी अपनी फेयर नोटबुक में, हिंदी की फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। अगर फेयर नहीं है किसी बच्चे के पास तो वो अपनी रफ नोटबुक में जहाँ पे आपने कठिन शब्द नोट डाउन किए हैं वहां पे ये कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे शब्द, और ये उनके कुछ अर्थ दे रखे हैं। ये हमारी बुक के अंदर ही दे रखे हैं। जो हम चैप्टर रीड कर रहे थे उसमें देखो साइडों में ये डार्क ब्राउन कलर से लिखे हुए हैं, जो हमारे हाईलाइट कर रखे थे वर्ड्स, गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर। ये जो हाईलाइटेड है हमारे डार्क कलर से लिखे हुए ना, डार्क ब्लैक कलर से, उनके ही साइड में हमें मीनिंग्स दे रखे हैं ब्राउन कलर से। तो आप ये अपनी बुक में से भी देख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी रफ या फेयर नोटबुक के अंदर, अगर आपके पास हिंदी फेयर नोटबुक है तो आप उसमें ही नोट डाउन करेंगे। अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अपनी रफ नोटबुक में करेंगे। जब आपकी नोटबुक्स आ जाएंगी तब आप इनको फेयर अप कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला शब्द क्या है, कड़कड़ाहट। कड़कड़ाहट, कड़कड़ाहट का क्या होता है, बिजली के कड़कने की आवाज। कड़कड़ाहट का क्या अर्थ होता है, बिजली के कड़कने की आवाज। जब बिजली, जब आसमान के अंदर बारिश, बारिश का टाइम होता है, बारिश का समय होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बिजली जब आसमान के अंदर आवाज करती है उसको क्या कहते हैं, बिजली के कड़कड़ाने की आवाज, बिजली के कड़कने की आवाज, उसी को ही क्या कहते हैं, कड़कड़ाहट। दूसरा क्या है हमारा, गड़गड़ाहट। पहला क्या था, कड़कड़ाहट, दूसरा क्या है, गड़गड़ाहट। बादलों के गड़गड़ाने की आवाज। गड़गड़ाहट क्या है, बादलों के गड़गड़ाने की आवाज। क्या होता है, जब बादल गरजते हैं, बादलों के गरजने की आवाज को क्या कहते हैं, गड़गड़ाना। जब बारिश होती है तो बिजली के आवाज को क्या कहते हैं, बिजली का कड़कड़ाना।
कड़कना और गड़गड़ाहट, जब बादल गरजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गड़गड़ाहट, बादलों के गड़गड़ाने की आवाज। जब बादल आवाज करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, गड़गड़ाहट। अगला थम, थम जाना मतलब रुक जाना, थमना मतलब रुकना, थम का क्या है रुक, स्टॉप, रुकना, ठीक है, थम का मतलब रुक जाना, ठीक है। अगला है हमारा कठिनाई, कठिनाई का क्या अर्थ है, मुश्किल, कठिनाई का क्या अर्थ है, मुश्किल। कोई काम अगर हमें नहीं हो, हमसे नहीं हो पा रहा है या हमें कुछ दिक्कत आ रही है उसमें करने में, तो उसको क्या कहते हैं, ये काम बहुत ही हार्ड है, हार्ड है हमारे लिए, है ना, ये मुश्किल है या ये कठिन है, तो कठिनाई का मतलब मुश्किल, कठिनाई का मतलब क्या होता है, मुश्किल। नेक्स्ट है बेलनाकार, नेक्स्ट है बेलनाकार, बेलन, बेलनाकार का क्या अर्थ है, बेलन जैसा, बेलन जैसा, बेलन आकार, बेलनाकार किससे बना हुआ है, बेलन, बेलन प्लस आकार की, बेलन के आकार जैसा, मीन्स बेलन जैसा, जैसे कि आप, बेलन जैसा क्या होता है, जैसे कि हमारे घर के अंदर मम्मी जिससे रोटी बनाती है ना, मम्मी जिससे रोटी बनाती है बेलन से बेलती है ना, तो उसी के शेप के जैसा, उसी के आकार के जैसा, बेलन जैसा, मतलब जैसा बेलन होता है हमारा, वही आकार, वही रूप, उसके जैसा देखने में, ठीक है। अगला है बेटा हमारा नली, नेक्स्ट क्या हमारा नली, नली का क्या अर्थ होता है, छोटा नल या पतले पाइप जैसा, नली का क्या अर्थ है, छोटा नल या पतले पाइप जैसा, जैसे जो छोटी नल की होती है ना, छोटा नल होता है, या फिर हमारे घर के अंदर पाइप भी होते हैं, है ना, हम अपने घर में चेक करते होंगे, हम अपने घर में देखते होंगे, जो छोटी पतली वाली पाइप होती है ना, ये नली किसको बोलते हैं, जो छोटी या पतली वाली, मोटे वाले पाइप नहीं, जो छोटे वाले होते हैं वो वाली पाइप की बात कर रहे हैं, पतले पाइप जैसा या छोटा नल, ठीक है। नेक्स्ट है लता, लता का मतलब क्या होता है, टहनी, जो पेड़ों की टहनियां होती है ना, है ना, उनको बोलते हैं ब्रांचेस, है ना, लता मतलब टहनियां, जो पेड़ों की टहनी होती है। नेक्स्ट है हमारा मददगार, मददगार भी सहायता करने वाला, जो हमारी मदद करता है, मदद करने वाला या सहायता करने वाला, मददगार कौन होता है, सहायता करने वाला, जो हमारी मदद करता है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं हम, मददगार। तो ये बेटा हमने शब्दार्थ कर लिए हैं, ये आपको अपनी रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक, अगर आपके पास, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके पास फेयर नोटबुक है तो आप अपनी फेयर नोटबुक में ही नोट डाउन करेंगे, अगर आपके पास फेयर नोटबुक नहीं है, आपको बुक्स नहीं मिली है नोटबुक्स, तो फिर आप अपनी रफ नोटबुक के अंदर ये नोट डाउन करेंगे। आपको ये लिखने हैं, कठिन शब्द लिखने हैं और ये शब्दार्थ भी नोट डाउन करने हैं, और फिर घर से आपको ये याद भी करके आने हैं। बेटा अब हम इसका करेंगे अभ्यास, ठीक है। आओ करें एक, आओ करें एक, ये क्या है, इसमें सारी पिक्चर्स दे रखी है हमें, जो भी पिक्चर्स थी हमारी चैप्टर के अंदर, जो भी हमारा पार्ट था उसके अंदर जो ये पिक्चर्स दे रखी है, इसमें हमें ऐसे ही दे रखी है रैंडमली, ठीक है। आपको इनको अरेंज करना है सीक्वेंस में, आपको इन्हें अनुक्रमांश सीक्वेंस में इनको लगाना है, जो पहले नंबर पे, आप पेज नंबर पहले पे देखना, जो आपकी पहले पिक्चर दे रखी है उसको आप नंबर वन डालेंगे, उसके बाद में जो नंबर सेकंड पे दे रखी है उस फोटो को आप सेकंड नंबर देंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है। अब हम कर रहे हैं आओ करो, आओ करे दो, आओ करे दो, आपके पेज नंबर 10 पे दे रखा है ये, आओ करे दो, खाली स्थान भरिए, क्या बोला गया इसमें, खाली स्थान भरिए, जो खाली स्थान, जो हमें ब्लैंक्स दे रखे हैं उन्हें हमें फिल करना है, जो हमें खाली स्थान दे रखे हैं उनको हमें भरना है, ठीक है। पहला क्या है, डैश थम गया था पर बहुत सी मुश्किलें दे गया था, डैश थम गया था, कौन थम गया था, बहुत सी पर बहुत सी मुश्किलें दे गया, लेकिन बहुत सी मुश्किलें दे गया, कौन थम गया था, कौन बहुत सी मुश्किलें दे गया था, तो क्या आएगा इसका आंसर, बताओ, आपने चैप्टर रीड किया है ना, पाठ पढ़ा था ना कल हमने, तो कौन थम गया था, कौन बहुत सी मुश्किलें दे गया था, यस, तूफान, कौन आया था, कौन थम गया था, तूफान थम गया था और
ही बहुत सी मुश्किलें दे गया था। तो पहला जो हमारा खाली स्थान है उसके अंदर क्या आएगा, क के अंदर क्या आएगा, तूफान। क्या आएगा, तूफान। ये आपको बेटा बुक के अंदर ही फिल करने हैं, ठीक है। आपको ये बुक्स के जो आपकी बुक है हिंदी पाठ्य पुस्तक उसके अंदर ही भरना है, जो चैप्टर वन का जो आओ करे दो है उसके अंदर ही भरना है आपको, ठीक है। पेंसिल से यू हैव टू फिल इट बाय पेंसिल, आपको इसको पेंसिल से ही फिल करना है, कोई पेन का यूज नहीं करेगा। तो क में क्या आएगा, तूफान। तूफान थम गया था पर बहुत सी मुश्किलें दे गया। ख क्या आएगा, मोगली ने डैश के पत्ते तोड़कर नली बनाई। मोगली ने किसके पत्ते तोड़कर नली बनाई थी, जो बेलनाकार नली बनाई थी मोगली ने, वो किसके पत्ते तोड़ के बनाई थी बताओ। यस राइट, मोगली ने केले के पत्ते तोड़कर नली बनाई थी। किसके पत्ते तोड़कर नली, किसके पत्ते तोड़ के बनाई थी नली, केले के पत्ते तोड़कर। नेक्स्ट हमारा ग, तूफान की वजह से नदी के पास जाना डैश हो गया। तूफान के वजह से, तूफान की वजह से नदी के पास जाना डैश हो गया। क्या हो गया था नदी के पास, क्या हो गया था जाना, मुश्किल या आसान, क्या हो गया था, तूफान की वजह से नदी के पास जाना क्या हो गया था, कठिन हो गया था, मुश्किल हो गया था। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कठिन। क्या हो गया था, तूफान की वजह से नदी के पास जाना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था, कठिन हो गया था। अगला हमारा है घ, मोगली ने रास्ता तो साफ किया ही नदी पर डैश भी बना दिया। मोगली ने पेड़ हटा के जब उसने हेल्प की थी ना हाथियों के झुंड की मदद से, उसने क्या कर दिया था, सारे पेड़ हटा के कहाँ रख दिए थे, नदी के ऊपर रख दिए थे। तो मोगली ने रास्ता तो साफ किया ही नदी पर डैश भी बना दिया। नदी पर क्या बना दिया, पुल बना दिया, पुल भी बना दिया था उसने। जब पेड़ सारे हटवाए हाथियों के झुंड की मदद से, तो जो रास्ते के अंदर पेड़ लगे हुए थे, गिरे हुए थे, वो तो सारे हट गए थे, मतलब रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन वो नदी के ऊपर रखवा दिए तो उससे क्या हो गया था, नदी के ऊपर पुल भी बन गया था। तो आपको ये सब अपनी बुक के अंदर करने हैं बेटा, पेंसिल से पुल, ठीक है।